नमस्कार, आप सभी का आज की ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम ग्रेट नोएडा की जैतपुर मेट्रो डिपो के पास में हैं और यहाँ पे आप पीछे गेट देख रहे होंगे, जो एक गेट बन रहा है बांस का। और यहाँ पे भव्य आयोजन होने वाला है जो 9 जुलाई से स्टार्ट होगा और यहाँ पे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं। तो पहले हम चल के यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। तो अंदर चल के मैं आपको यहाँ का दिखाती हूँ, क्योंकि एक महीने से यहाँ काम स्टार्ट हो चुका है और अब चल के अंदर देखते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचा है। एक महीने बच गए होने में, तो कितनी तैयारियाँ बाकी हैं। चलिए चलते हैं इसके गेट के अंदर। ये सामने जो सड़क दिखाई दे रही है वो डिपो, जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से किस तरफ से आ रही है। और सामने द्वार बनाए, वैसे 2-3 द्वार बनाए जा रहे हैं। जैसा कि सबके लिए खुशखबरी की बात है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी एक सप्ताह के लिए 9 जुलाई से 16 जुलाई तक ग्रेट नोएडा में आ रहे हैं। ग्रेट नोएडा के जैतपुर में अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 9 जुलाई को कलश यात्रा होगी और 10 जुलाई से 16 जुलाई तक शाम 4 बजे से जो है प्रवचन चलेगा और 12 जुलाई को दिव्य दरबार लगेगा, जो प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगा। इसके लिए देश के प्रमुख धर्माचार्य, पीठाधीश्वर और संतों को यहाँ पे शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। तो यहाँ तैयारियाँ पहले देख लेते हैं, क्योंकि अभी समय काफ़ी है, एक महीने का समय है और तैयारियाँ जो है कितनी चल रही हैं। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब यहाँ थोड़ा सा पैदल चलते हैं, आगे देख करके आते हैं कि कितना कुछ जो है तैयार हो चुका है। ग्रेट नोएडा के निवासी भी काफ़ी खुश हैं कि उन्हें इतने नज़दीक से जो है ये कथा सुनने को मिलेगा और यहाँ पे जो दरबार लगेगा उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। जैसा आप पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा खाली एरिया है और पूरे एरिया में कितने भी लोग आएंगे, पूरा अच्छे से कवर किया जा सकता है, लोगों की व्यवस्था करवाई जाएगी, जितना जैसा कि प्रशासन ने बताया है अभी। तो उसकी तैयारी मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा नज़दीक चलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि कितने लोगों के बैठने का जो पंडाल बन रहा है, और नज़दीक से आकर के हम उस चीज़ का मुआयना करते हैं। पिछली बार जब बिहार में और उसके बाद मध्य प्रदेश में जब बागेश्वर धाम सरकार के जब आयोजन किया गया था, तो सुनने के लिए बहुत लोग आए हुए थे। तो उसी को देखते हुए यहाँ लग रहा है कि यहाँ पे दिल्ली NCR सभी के लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे। तो प्रबंध तो पूरा दिख रहा है, जगह भी काफ़ी है जिससे बड़े से बड़ा पंडाल यहाँ पर लगाया जा सकता है। और उस वक्त मैं जूम कर थोड़ा दिखाना चाहती हूँ, सामने आपको देखिए मेट्रो दिख रहा होगा। तो ये मेट्रो स्टेशन जो एक्वा लाइन का जो लास्ट स्टॉपेज है यहाँ पे, जो सेक्टर जो है 52 से जो है यहाँ तक में ये मेट्रो आती है। तो नोएडा तक आने के बाद जो है दिल्लीवासी भी यहाँ पे आराम से मेट्रो से के द्वारा आ सकते हैं और वहाँ से मेट्रो से यहाँ की दूरी जो है पैदल भी तय की जा सकती है। तो मिलते हैं यहाँ के अधिकारी से और जानते हैं यहाँ का हाल। सही तैयारी हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हैं जिन्होंने यहाँ के अधिकारी हैं, उनसे पूछने की तैयारियाँ बनने में और कंप्लीट होने में और कितने दिन लगेंगे। सर बताइए किस टाइप का काम चल रहा है अभी? काम ये उतरने के बाद यहाँ जर्मन हैंगर लगना है। जर्मन हैंगर लगने में टाइम नहीं लगेगा, वो तो लग जाएगा जल्दी। इसके बाद ये पंडाल जो है पीछे जा रहा है, खाने का पंडाल बनेगा वो मेट्रो के पास। तो ये तैयारियाँ होने में अंदाज कितने समय और लग जाएगा? ये तो लगभग 7 तारीख तक तैयार होगा। और अंदाज कितने लोगों की व्यवस्था यहाँ पे हो रही है अभी? कम से कम 10-20 लाख आदमी आएंगे। 10-20 लाख आएंगे यहाँ पे आराम से हो सकते हैं, क्योंकि जगह भी यहाँ पे काफ़ी है। थैंक यू, आगे तक लगेगा। थैंक यू सो मच सर, आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका शुभ नाम क्या? रिंकू नाम है। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा आपने देखा यहाँ पे तैयारियाँ जो हैं पूरे जोर शोर से स्टार्ट हो चुकी हैं और हम फिर 10 दिन के बाद फिर दिखाने में यहाँ पे आऊँगी कि यहाँ पे और कितनी जोर शोर से तैयारी जो है आगे बढ़ी है। तो हम मिलते हैं फिर 10 दिन के बाद, यहाँ का फिर मैं ब्लॉग बनाऊँ, तब तक जो है पूरा टेंट जो बन के तैयार हो चुका रहेगा, ये पूरा पंडाल बन के सज जाएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम।